इसका इसका नाम समझना जो कुछ नहीं करना, जाने की जरूरत नहीं। कर्म करो, खाना खा लो, बच्चों को संभालो, पति की सेवा करो, सब कुछ करते हो, संसार में रहो तो नंबर वन पवित्र रह सकते हो। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में अगर किसी ने शादी नहीं किया उसको पवित्र नहीं कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। लाखों ब्रह्मचारी है जंगल में, सत्य में आएंगे तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन पवित्रता है। कुछ किसी भी आत्मा पर नजर गई देखते ही शिव बाबा इस आत्मा का कल्याण, अगर ये विचार आता है ये नंबर वन पवित्रता है। अगर ये छोड़कर ये नहीं आया अरे ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा, ये विचार आया नंबर वन अपवित्रता है। श्रेष्ठ विचार अपवित्रता पहले मन में आती है, फिर नजर, फिर बोल, फिर कर्म, तब बाद में पहले विचार, तब कहा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन मन जीव जगत जीव। मन तूफान है, मन घोड़ा है, मन खराब है, मन गलत सोचता है, मन में अशांति कहां से आई, हमने विचार किया। हाँ मन में गलत विचार आता है, आप चाहते नहीं हो क्योंकि अंदर बहुत जन्मों से किए हुए कर्म है, न चाहते हुए भी यहां बैठे बैठे भी मन में गलत विचार आता है, आप चाहते नहीं हो क्योंकि अंदर भरा हुआ है। अगर आते ही तुरंत समझाओ नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसे नहीं कहता आपको गलत विचार आना ही नहीं चाहिए, आप चाहते नहीं है, हम नहीं चाहते लेकिन आता है। कभी कहते हैं आप बीमारी नहीं आना चाहिए, संभव नहीं है, कलयुग है, आत्मा सारे कलप चल करके आई है, अंतिम समय है, बहुत प्रकार के पाप भरे हुए हैं, स्वप्न में दिखाई देता है, पाप आत्मा कहते हैं, उसको मिटाने के वो कहां आते हैं, पहले मन में आते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को पता भी नहीं है, आप कहते थे अभी किसी को देखो तो पता चलेगा ये पाप आत्मा या पुण्य, वो बाद में। अगर यहां बैठे हुए भी योग करने बैठे हो, बाबा के सामने बैठे हो, मुंगली सुन रहे हो तो भी कहां कहां के विचार आते हैं क्योंकि अंदर कहीं आते नहीं, अंदर भरा हुआ है, न चाहते हुए मन में विचार आया, हाँ आने दो, तुरंत उसको समझो ये विचार क्यों आया, बाबा मैं आपकी मुरली सुनने बैठे हो, आपके योग करने बैठे हो, आपको याद करने बैठे हो, मुझे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए लेकिन अंदर भरा हुआ। तुरंत बाबा को, बाबा आपने कहा मैं पति को पावन करने आया, बाबा ये विचार ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनके लिए मेरे मन में ऐसा विचार आया कि बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दो, इसने बहुत दुख दिया, गलत किया लेकिन वो आपका बच्चा, आप उसको सुधारो, आप उसको ठीक करो, ये राजयोग है, ये नंबर वन।